अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। डियर, आज का हमारा टॉपिक जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इससे पहले हमने पास्कल लॉ पढ़ा था। पास्कल लॉ की हमने दोनों एप्लीकेशन की थी, जिसके अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दोनों ही पढ़नी थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सातवां चैप्टर जो है तकरीबन लिक्विड के बारे में ही है। तो इसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक कानून पेश किया था, जिसने एक असूल बताया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड थ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेज। इससे मुराद ये है कि उस आर्किमिडीज ने हमें ये कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शली से मुराद ये है कि अगर बिल्कुल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास लिक्विड है, इसको हम सारे का सारा इसके अंदर डिप कर देते हैं, तो इससे मुराद ये है कि टोटली जो है इमर्स्ड हो गया, टोटली डूब गया। अब या इसे हम आधा जो है इमर्स्ड कर लेते हैं, आधा डुबो देते हैं, डिप कर देते हैं, तो उस वक्त क्या है, कहते हैं इन लिक्विड एंड अप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट। आप जितना भी आप उसको डिप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड की जानब से ऊपर की जानब एक फोर्स लगती है और उस फोर्स को कहा जाता है आप थ्रस्ट फोर्स। अब उसका मेन फंक्शन क्या है, किस तरह की होती है, कहते हैं कि ऑन इट और इसके बाद यह है कि इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। इससे मुराद यह है कि जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही वेट का लिक्विड जो है उसके नीचे वाली साइड से डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस होगा तो फिर जाके ये एडजस्ट होगा। दोबारा देखिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, आर्किमिडीज ने हमें ये कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शली जो है आप लोग किसी लिक्विड के अंदर डबोएं, तो डबोने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है जिसे अप थ्रस्ट का नाम दिया जाता है, और वो फोर्स जो है इक्वल होती है टू इट्स वेट। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं जिनके एरिया जो है मुख्तलिफ है। आप एक सिलेंडर जो है बड़ा है, जिसका एरिया जो है हम कैपिटल ए से शो करते हैं, और इसका एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिलेंडर। तो इस बड़े सिलेंडर के अंदर ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है व्हाइट कलर की, ये हमारे पास लिक्विड है। अब इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड के बाद हम इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर जो है डिप करते हैं। जैसे हम छोटा सिलेंडर डिप करते हैं, तो वैसे एक जनरल सी बात है कि पानी के अंदर आप कोई भी चीज अगर डिप करते हैं तो उसके ऊपर आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो फोर्स क्यों लगानी पड़ती है, बेसिकली क्योंकि नीचे से अप थ्रस्ट फोर्स जो है एक्ट कर रही होती है, उसके खिलाफ आप लोग फोर्स लगाते हो। अब इसकी हाइट हमने देखी कि H1 है, इसके बाद इसकी हाइट कौन की, फिर जैसे हमने ये सिलेंडर इसके अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद ये जो पानी है इसकी हाइट बढ़ गई, तो इसलिए हमने इसको H2 का नाम दे दिया। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो डेरिवेशन इसकी कुछ इस तरह से होगी कि H1 - H2 दैट इज इक्वल टू H। इससे मुराद ये है कि हमने हाइट का डिफरेंस जो है मेजर किया, हाइट का डिफरेंस ज्यादा में से कम को माइनस किया हमने, तो हमारे पास सिंपल H है। अब एक प्रेशर जो है, प्रेशर लिक्विड के अंदर प्रेशर इन लिक्विड हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रेशर दैट इज इक्वल टू रो जी एच वन। रो जी एच था हमारे पास, रो जी एच से मुराद ये है कि ये डेंसिटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये आपके पास एच हाइट होती है। अब जिस तरह से आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो सिलेंडर हैं, तो दो सिलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर भी हम दोनों का ही काउंट करेंगे। P1 दैट इज इक्वल टू रो जी एच वन, इसी तरह से P2 इज इक्वल टू रो जी एच टू। अब इसी का हमने प्रेशर के फॉर्मूले से F फाइंड किया, यहाँ से पी एस इक्वल टू होता है एफ ओवर ए, यहाँ से आपने एफ निकाला है, तो ये इस तरह आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू पी ए हो जाता है। आप इसके आप फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो F1 होगी P1A। P1A क्यों आया, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से हमने ये A लिखा। अब हमने आगे क्या लिखा कि पहले जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था लिक्विड के अंदर, वो हमने लिख दिया रो जी एच। ठीक है जी, H1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अब उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया को। आप इसी तरह से जो दूसरी टर्म हम फोर्स की काउंट करेंगे उसके
अंदर भी ऐसे लिखेंगे P2A, P2A से मुराद यह है कि प्रेशर और एरिया। दूसरे सिलेंडर में प्रेशर हम देखते हैं लिक्विड में रो जी एच को आता है और ए। अब आपने इनका डिफरेंस देखना है, फोर्सेस का हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस में हम यू करते होते हैं कि एक ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, F2 माइनस F1 आ जाता है। आगे इसकी जो इक्वेशन हमने यहां पर बनाई है इसको आगे लिखते हैं कि F2 जो है रो जी एच 2A है माइनस रो जी एच 1A। अब यहां से हम देखते हैं कि कोई चीज कॉमन है, तो हमारे पास रो जी और ए जो है कॉमन आ रहा है। ये तीन चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है, हमें उनको बाहर लिख दिया। लिखने के बाद यहां पर हमारे पास ये H2 बचा और यहां पर हमारे पास H1 बचा। अब H2 माइनस H1, अब हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखी थी ये वाली H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू H। अब इस इक्वेशन की जगह हम सिर्फ HB लिख सकते हैं। अब जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ये है कि रो जी ए और H। अब ए और एच की जगह मैंने लिख दिया सिर्फ बी वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एरिया है एरिया होता है हमारे पास एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू, और इसी तरह से हाइट जब मिला ली जाती है तो तीन टर्म हो जाती है। तीनों को मिला के हम वॉल्यूम काउंट करते हैं किसी भी सिलेंडर का। तो इसलिए हमने क्या किया कि ए एच की जगह बी लिख दिया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो है रो जी बी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है रो जी बी। दोबारा देखिए इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कि वैन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड एंड अ थ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। इसके बाद हमने इसकी जब वजाहत की थी तो वजाहत के अंदर हमने दो सिलेंडर बनाए थे। सिलेंडर बनाने के बाद हमने क्या देखा कि पहले सिलेंडर को इजेक्ट करने से पहले की हाइट और बाद की हाइट देखी, फिर हमने इनके ऊपर फोर्सेस देखी कि कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, फिर उनकी डेरिवेशन की। डेरिवेशन के बाद अब हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो कि 7.3 है। इसके अंदर हमारे पास एक क्यूबिक क्यूब नुमा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी उसने लेंथ बताई है, लेंथ ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर आया। इसके बाद जब आप उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम में आप क्यूब लेते होते हैं, तो ये आपके पास एक साइड है तो आपने वॉल्यूम में तीनों को करना है तो इसका क्यूब लें। क्यूब लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है कि ये एक मखसूस चीज होती है, ये है हमारे पास 1000 kg/m³। अब अप्रेस आप लोगों ने यहां फाइंड करनी है। अप्रेस जब आप फाइंड करोगे तो उसका फॉर्मूला हमने यहां पर पढ़ा है ये वाला रो जी बी। अब हमारे पास ये रो है ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके बाद ये जी है और ये वॉल्यूम जो उसने हमें बताया है वो ये। अब इन तीनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन जो है ये हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स है। अपथ्रस्ट फोर्स से मुराद ये है कि जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है। तो आज का हमारा टॉपिक था ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसकी एक एग्जांपल थी हमारे पास, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल अगर नहीं आया या किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे या किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके। शुक्रिया।